मेरे पास एक 30 सेंटीमीटर यानी एक फीट की छड़ी है। कभी आपने सोचा है कि मैं इसको ऐसे दो भागों में बांट सकता हूं क्या, ताकि पूरी छड़ी और बड़े भाग का अनुपात इन दोनों बड़े भाग और छोटे भाग के अनुपात के बराबर हो, और इस अनुपात को हम गोल्डन रेशियो कहते हैं। तो इस छड़ी को अगर हम दो भागों में बांटते हैं, अगर 18.6 सेंटीमीटर और बचा हुआ 11.4 सेंटीमीटर, तो इसका अनुपात 1.61 आता है, और ये गोल्डन रेशियो है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमने ये गोल्डन रेशियो कैसे निकाला। हमारे पास ये जो डंडी थी ये 30 सेंटीमीटर लंबी थी, इसको हमने दो भागों में बांटा 18.6 और बचा हुआ 11.4। तो हम देखते हैं कि 30 डिवाइडेड बाय 18.6 और 18.6 बटे 11.4 बिल्कुल बराबर हैं, और वो ही है गोल्डन रेशियो ऑफ 1.61। और खास बात यह है कि ये गोल्डन रेशियो बहुत जगह दिखाई देता है प्रकृति में, हमें इस पेंटागन में भी दिखाई देता है। तो चलिए हम देखते हैं कि एक साधारण से पेंटागन में भी कैसे हमें गोल्डन रेशियो दिखाई देता है। इस पेंटागन को बनाने के लिए सबसे पहले कागज की एक आयतकार पट्टी को ले लीजिए। इस पट्टी में अगर आप एक गांठ बांधते हैं और उसके कोनों को ठीक से खींचकर बराबर बराबर मिलाते हैं, तो आप देखेंगे कि एक सुंदर पेंटागन बन जाएगा। इसकी बची हुई पट्टियों को काट दीजिए और ये हमारा पंचकोण है, यानी कि रेगुलर पेंटागन। चलिए अब इसके सारे कोनों को एक नाम देते हैं, ए बी सी डी और ई। अब ये बी ई वाली जो भुजा है और ए डी वाली भुजा है, ये आपस में एक जगह मिलती है, उसको हम कहते हैं पी। और हम ये पाएंगे कि बी ई जो कि बड़ी भुजा है बटे बी पी, बी पी बटे बी ई के बराबर है, और ये ही है गोल्डन रेशियो। यानी कि जो भी डायगोनल्स हैं पेंटागन की, वो आपस में गोल्डन रेशियो में काटती हैं। और हम ये भी पाएंगे कि जो पेंटागन की डायगोनल है बी ई और पेंटागन की जो भुजाएं हैं सारी बराबर भुजाएं ए बी, वो भी गोल्डन रेशियो में है, यानी कि उनका भी अनुपात 1.61 है। तो देखिए इस पेंटागन में क्या अनूठी नियम निकल के आते हैं कि इनकी डायगोनल्स एक दूसरे को गोल्डन रेशियो में काटती हैं, और डायगोनल और साइड का अनुपात भी गोल्डन रेशियो में होता है। आशा है आपको यह सब करने में बहुत मजा आया होगा।